वेलकम स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन टेम्पेस्ट पार्ट सेकेंड लेट स्टार्ट प्रॉस्परो सेट हिम द दस ऑफ पाइलिंग ऑफ हैवी लॉग्स प्रॉस्परो फेडीनेंट को एक काम देते हैं कि आप इन बारी लकड़ियों को एक के ऊपर रख कर सेट करो तो फेडीनेंट काम शुरू कर देता है मरिंडा स्टोल आउट ऑफ आर रूम टू सी हिम वर्क एंड हर प्रेजेंस मेट हिज लव सीम लाइट टू हिम मरिंडा चोरी से अपने कमरे से निकलती है फ्रेडिनेंट को काम करते देखने के लिए और उसकी मौजूदगी फ्रेडिनेंट के काम को हल्का बना देती है अल्लाह सर शी सेड प्लीज सिट डाउन एंड रेस्ट ए लिटल मरिंडा फ्रेडिनेंट को काम करते देख कर उसे दुख होता है वो फेडीनेट को कहती है कि आप मेहरबानी करके आप थोड़ी देर बैठ जाइए और आराम कीजिए आई विल कैरी यूर लॉग्स इन द मेन टाइम आई क्वाइट लाइक इट तब तक मैं इन लकड़ियों को उठाती हूँ मुझे अच्छा लगता है लेट मी कैरी द लॉग्स माई फादर इज एट ही स्टडीज सेफली आउट आवर ऑफ़ आवर वे फॉर द नेक्स्ट थ्री आवर्स मुझ मुझे इन लकड़ियों को उठाना अच्छा लगता है और मेरा बाप अभी यहाँ आने वाला नहीं है क्योंकि वो बिज़ी हैं तीन घंटे तक वो यहाँ नहीं आएंगे। इनफैक्ट प्रॉस्परस प्रॉस्पर्स वॉज ऐट द एट ऑल वॉज ऑल द टाइम स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस वॉचिंग हिज डॉटर विद एम्यूजमेंट एंड सिम्पैथी असल में प्रॉस्परस कुछ ही देरी पर खड़ा होकर अपनी बेटी को बड़ी खुशी से देख रहा होता है और उन्हें मज़ा भी आ रहा होता है नो माई प्रेशियस क्रिएटर रिप्लाइड फेडिनेट आई नॉट लेट यू डू दैट फेडिनेट कहते हैं कि नहीं आप बहुत कीमती हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि ये काम आप करें ऑफकोर्स दिस लव टॉक डिड नॉट हेल्प द वर्क ऑफ पाइलिंग अपलॉग्स बट फेडिनेट मैनेजर टू टेल मरिंडा हाउ ही लुकड हर बेटर दैन एनी वन एल्स ही हैड एवर सीन बेशक ये प्यार मुझे लकड़ियों को एक साथ रखने नहीं मदद नहीं करेगा मगर फेडिनेट मरिंडा को बताते हैं कि वो उसको बहुत प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा एज फॉर मरिंडा शी कोड नॉट अमेजन ए पर्सन वोम शी कु लव मोर अब मरेंडा ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसे कोई इतना प्यार कर सकता है प्रॉस्पर डिसाइडेड नॉट टू ट्राई फेडिनेट फर्दर एंड सोन रिलीजड हिम फ्राम हिज हार्ट टास्क प्रॉस्परस ये अब देख का देखने के बाद वो सोच ये डिसाइड करते हैं कि अब फेडिनेट का और इम्तहान ना लिया जाए बल्कि उसे जल्दी से इस काम से छुटकारा दे दिया जाए अब द ट्रायल यू हैव अंडरगॉन वेयर ए टेस्ट ऑफ योर लाव सेट प्रॉस्पर्स टू द ग्रेट जॉय एंड सरप्राइज ऑफ फेडिनेट अब प्रॉस्पर्स वहाँ आते हैं और फ्रेडिनेंट से कहते हैं कि मैंने ये तुम्हें जो काम दिया था ये मैंने ये जानने के लिए किया था कि तुम फ्रेडिनेंट कि तुम मरिंडा से कितना प्यार करते हो ये सुनकर फ्रेडिनेंट खुश भी होता है और हैरान भी एज योर रिवॉर्ड आई गिव यू माई डॉटर हु इज़ माई मोस्ट प्रेशियस प्रोसेशन माई ब्लेसिंग और विद यू बॉथ प्रस्पर कहता है फेडिनर से कि मैं तुम्हें इनाम में अपनी बेटी सौंपता हूँ जो कि मेरे लिए सबसे कीमती है मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं इन द मीन टाइम द किंग ऑफ नेपल्स एंटोनियो गोंजालो हु वॉज इन द किंग्स पार्टी एंड अदर्स वेयर वॉन्डरिंग अबाउट ऑन द आइजलैंड टायर्ड आउट एंड हंग्री दे सेट डाउन टू रेस्ट उसी दौरान नेपल्स का राजा एंटोनियो गोंजालो और जो दूसरे लोग जो कि आइसलैंड पर फेडिनेंट को ढूंढ रहे थे ये यहाँ थक थक जाते हैं यहाँ पर और बुक से भी बेहाल होते हैं और फिर एक जगह आराम करने के लिए बैठ जाते हैं एरियल पोट इन्वाइटिंग फॉर बिफोर देम बट वैन दे ट्राई ट्राई टू ईट इट इट डिसपेयर सडनली एरियल खाने की चीज़ें इन सब के सामने रखता है लेकिन जैसे ही ये खाने की कोशिश करते हैं तो वो खाना अचानक गायब हो जाता है एरियल अपेयर टू दैम विथ थंडर एंड लाइटनिंग नहीं दे स्टूड अमेजिंग अमेज्ड एट द साइट एरियल वहाँ पर बिजली पैदा करता है चमक होती है यानी यहाँ पर बादल गरजते हैं ये सब लोग ये सब कुछ देख के हैरान हो जाते हैं वो ये सोचते हैं कि आखिर ये क्या हो ही सेट टू एंटोनियो एंड द किंग यू आर टू मैन गिल्टी बिफोर गॉड एंड मैन थिंक ऑफ योर एवल डीड्स एरियल एंटोनियो और नेपल्स के बादशाह को कहता है कि तुम दोनों आदमी गॉड के सामने आद एक आदमी के सामने दोषी हो अपने बुरे कामों के बारे में सोचो रिमेंबर हाउ क्योरली यू ट्रीटेड प्रॉस्पर्स एंड हिज इनोसेंट चाइल्ड इट वॉज ए टेरिबल क्राइम याद करो कि तुमने प्रॉस्परो और उसकी मासूम बच्ची के साथ कैसा बर्ताव किया था ये सबसे खतरनाक जुर्म था ऑल दैट यू हैव अंडरगॉन गॉड ंडरगॉन इज़ गॉड्स पनिशमेंट फॉर योर क्राइम ये सारा जो तुम यहाँ पर सज़ा पा रहे हो ये सारी सज़ा तुम्हें गॉड उस गुनाह की दे रहा है जो तुम लोगों ने प्रॉस्परों और उसकी बच्ची के साथ किया है इफ़ यू डू नॉट सिंसियरली रिपेंट ऑफ योर एवल डीड्स देयर इज़ वर्स इन स्टोर फॉर यू अगर तुम इन सब गलतियों को जो तुम लोगों ने की हैं इनमें पछतावा नहीं है तो आपको इसमें से भी इससे भी बुरी सज़ा मिलेगी देन एरियल डिसपेयर इन थंडर एंड लाइटनिंग लिविंग दैम ऑलमोस्ट मैड विद फेयर एंड देयर सेंस ऑफ गिल्ट फिर एरियल हवा से गायब हो गया थंडर और लाइटनिंग के साथ उन्होंने उन्हें वहीं छोड़ के लगभग उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था नाउ दैट दे हैव सेंसियरली रिपेंटिड वी नीड नॉट पोनिश देम फर्दर said prosperous to एरियल एरियल उसके बाद prosperous के पास जाता है और उसे पूरा मनी सारी कहानी बताता है तो प्रॉस्परस एरियल से कहता है कि अब उन्हें पूरी तरह से पछतावा हो रहा है तो इनको और सज़ा नहीं देनी चाहिए एरियल लेट देम टू प्लेस व प्रॉस्परस स्वास एरियल उन सबको वहाँ लाया जहाँ प्रॉस्परस था वेन दे सा प्रॉस्पर्स दे वेयर सो अमेज दैट एट फर्स्ट दे कु हार्डली बिलीव देअर आइज जब उन्होंने प्रॉस्पर्स को देखा पहले तो वो हैरान हुए उनको अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था द किंग अगे अग्री टू डिस्टोर द ड्यूगडम टू प्रॉस्पर्स एंड प्रॉस्पर्स ऑन हिस्स पार्ट फॉर गिव द किंग ऑल दैट वॉज पास्ट बादशाह प्रॉस्पर्स को उसकी सल्तनत वापस देने को तैयार हो गया प्रॉस्परस ने उनको माफ़ कर दिया जो भी पास्ट में हुआ था द किंग को टोल्ड प्रॉस्पर्स हाउ दी हैड बीन शिप रैकेट एंड हाउ ही हैड हाँ लॉस्ट फेडिनेंट हिज डियर सन इन द्लिक बादशाह ने प्रस्पर्स को बताया कि उनका जहाज़ टूटा और उसने अपने बेटे फेडिनेंट को खो दिया है तो ये सारा कुछ वो प्रॉस्पर्स को बताते हैं आई एम सॉरी वेरी सॉरी टू हेयर ऑफ यूअर लॉस्ट सेॉस्परो आई लॉस्ट माई डॉटर टू इन द टेम्पेस्ट प्रॉस्परस ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है आपके बेटे के बारे में सुनकर इस तूफान में मैंने भी तो अपनी बेटी खोई है इन देंस प्रॉस्पर वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ बिकॉज ही है लॉस्ट हिज डॉटर टू फेडीनेट एक तरफ से प्रॉस्पर सच कह रहा था क्योंकि उसने अपनी बेटी को फ्रेडिनेंट को सौंप दी थी इसलिए उसने ये कहा था कि मैंने अपनी बेटी खोई है हाउ आई विश दे वेयर बोथ अलाइव सेट द किंग टू बी टू बी किंग एंड क्वीन ऑफ नेपल्स नेपल्स के बादशाह कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि काश वो दोनों जिंदा होते नेपल्स के बाद राजा और रानी बनते prospero took the party into the cave and showed them ferdinand and marinda, who were happily playing chess. "prospero unsabco usgofas me ferdinand or marinda que pas lega Dono kushi se chess khel rahe the. "oh, wonder!" said marinda, when she saw so many pupils together. "how many wonderful pupils there are here! how beautiful mankind is!" मरिंडा इतने सारे आदमियों को एक साथ देख कर हैरान हो जाती है कमाल हो गया वो कहती है कमाल हो गया इतने सारे लोग यहाँ पर एक साथ गंजालो द काइंड ओल्ड मैन हु हैड हेल्पर प्रॉस्परस वेप्ट फॉर जॉय टू सी दिस सीन ऑफ रिकॉन्सलेशन गंजालो ये वही हमदर्द होता है जिसने प्रॉस्पर्स की मदद की होती है और ये खुशी का मिलन देखकर वो रो पड़ते हैं Prosperus broke his magic wand and buried his books of magic because he had no further use for them. He had he set Ariel free as he had promised. Ariel sang, Prospero. तभी अपने जादू की छड़ी को तोड़ देता है और अपने जादू की बुक्स ज़मीन में गाड़ देता है क्योंकि इन सब की अब उसे कोई ज़रूरत नहीं होती प्रॉस्पर एरियल को आज़ाद करता है एरियल खुशी से सॉन्ग गाते हुए निकल जाता है क्या सॉन्ग आता है यहाँ पे आपके सामने है वेयर द बी सक्स देयर सक आई इन ए काव स्लिप स्बेल आई लाई देयर आई काव वैन आवल्स डू क्राई ऑन द बैट्स

एयर एरियल हेल्पर दैम विद फेवरेबल विंड दैट वॉज हिज लास्ट सर्विस फॉर हिज मास्टर एरियल फेवरेबल हवा चलाता है ताकि प्रॉस्पेरस और उसके साथी आराम से नैपल्स पहुँच जाए ये उसका आखिरी काम होता है अपने मास्टर प्रॉस्पेरस के लिए ये लेसन आपका यहीं ख़त्म होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो